जिला सोलन में करवा चौथ के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुहागिनों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस कठिन व्रत में कुछ संस्थाओं ने सोलन में विशेष आयोजन किए, जिसमें महिलाओं ने नाच गाकर करवा चौथ को मनाया। इन आयोजनों के तहत महिलाओं के लिए अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करवा चौथ के मौके पर सोलन में महिलाओं ने सज धज कर अनेक कार्यक्रमों से इस उपवास का लुत्फ उठाया। महिलाओं ने जमकर नृत्य किया, साथ ही अन्य प्रतियोगिताओं से इस प्रतियोगिता को खास बनाया। बात करते हुए करवा चौथ के रंग में डूबी महिलाओं ने बताया कि उन्होंने इस कठिन उपवास को रखा है। उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पता ही नहीं चलता कि कब व्रत पूरा हो जाता है। इस व्रत के रखने से पति को दीर्घायु मिलती है। उन्होंने कहा कि पति के प्यार के आगे कठिन व्रत भी मायने नहीं रखता। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे महिलाओं में एकता की भावना उत्पन्न होती है। हम करवा चौथ यहाँ पे बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, जिसका हमें देव सब जी से इंतजार रहता है और सारी शहर की महिलाएं इकट्ठी हो रखी हैं। और जो हम ये व्रत है अपनी पति की लंबी आयु के लिए करते हैं और यहाँ पे खूब सारे कार्यक्रम रखे हैं इन्होंने, जिसमें डांस है और भी बहुत सारे कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में आने से एक तो भूख प्यास नहीं लगती और सारा समय आसानी से कट भी जाता है। मेरी तरफ से सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यहाँ बहुत हर साल इकट्ठे होकर सारी महिलाएं बहुत हर्षोल्लास से करवा चौथ का प्रोग्राम करते हुए बहुत इंजॉय करते हुए पूरे प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे डांस होते हुए बहुत सारी कॉम्पिटिशन होते हुए थे, जो हमें अपने आप को और एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं और हम बहुत खुश हैं। करवा चौथ फेस्टिवल पूरे साल का फेस्टिवल है, जिसके लिए लेडीज पूरे साल वेट करती है। एंड दिस इज द ओनली फेस्टिवल जहाँ पे आप बहुत स्पेशल फील करते हैं, अपने लिए टाइम निकालती हैं लेडीज एंड उनके हस्बैंड्स भी उनको बहुत ही ज्यादा पैम्पर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो पूरे साल में उनका पैम्पर किया जाता है। तो बस आज के दिन हम सब यहाँ पार्टी के लिए आए हैं और लेडीज के साथ एंजॉय करने आए हैं। द डांस हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, इसके बाद हम पूजा करेंगे एंड देन लेटर ऑन रात को चांद देख के व्रत को तोड़ा जाएगा। हर साल की तरह हमने इस बार भी सेलिब्रेट किया। हमें इसको सेलिब्रेट करने का हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम सारी महिलाएं जैसे हर त्यौहार हम इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, तो करवा चौथ भी हम एक साथ मिल करके त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इससे हमारा प्यार भी बढ़ता है, अटैचमेंट बढ़ती है, हमारी ट्यूनिंग बढ़ती है और हम सब एक दूसरे के साथ नाच गा के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। तो यार टीवी के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।